इसे कहते हैं आपदा में अवसर। ट्रंप पर गोलियां चली तो चाइना ने इसको फायदे में कैसे बदल दिया है, जानेंगे क्या चल रहा है वहां पर। तो वहीं इंजन को लेकर क्या अमेरिका ने भारत को धोखा दिया है, यूं ही भारत रूस की तरफ नहीं जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पर वार हुआ उसके बाद इस वक्त हर जगह ये चर्चा पे है। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति और 2024 के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश के बाद जो बाइडेन ट्रंप के सहयोगियों के निशाने पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संभावित उपराष्ट्रपति उम्मीदवार रनिंग मेट जेंडी वेंस ने रविवार को पूर्व राष्ट्रपति पर हमले में राष्ट्रपति जो बाइडेन को सीधे जिम्मेदार ठहराया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ओहायो से सीनेटर ने कहा कि आज सिर्फ एक घटना भर नहीं है। उन्होंने कहा कि बाइडेन कैंपेन का मुख्य आधार ही यही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक फांसीवादी हैं, जिन्हें हर कीमत पर रोकना चाहना चाहिए। इस बयानबाजी के कारण पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की सीधे हत्या की कोशिश की गई। वेंस ने इस साल अप्रैल में पेश किए गए कानून की ओर भी इशारा किया, जिसके तहत जेल की सजा पाए गए अपराधियों के लिए सीक्रेट सर्विस सुरक्षा खत्म कर दी जाएगी। ट्रंप को मई में हस मनी ट्रायल में 34 गंभीर अपराधों का दोषी पाया गया था। अमेरिका के वर्तमान नियमों के मुताबिक सभी पूर्व राष्ट्रपति की सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा हासिल है। ये सुविधा उन्हें जेल में रहने के दौरान भी हासिल होगी। एक यूजर के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए वेंस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रिपब्लिकन उम्मीदवारी ठोक चुके विवेक रामास्वामी ने भी हमले को लेकर बयान दिया है। रिपब्लिकन नेता विवेक रामास्वामी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इस पर मुकदमा किया, फिर उन्होंने उस पर मुकदमा चलाया, फिर मतपत्र से हटाने की कोशिश की। अभी जो हुआ है उससे ज्यादा दुखद ये है कि अगर हम ईमानदारी से कहें तो ये पूरी तरीके से चौंकाने वाला नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि आज बाइडेन द्वारा राजनीतिक हिंसा के अपरिहार्य निंदा अप्राप्त और अप्रासंगिक होगी। आज शब्दों का ढोंग उस जहरीले राष्ट्रीय माहौल को नहीं बदल सकता है जिसके कारण ये त्रासदी हुई है। रामास्वामी ने ये कहा कि इस घटना ने अगले राष्ट्रपति के असली चरित्र को उजागर कर दिया। अगर आज कुछ अच्छा हुआ है तो वो अमेरिकियों को हमारे अगले राष्ट्रपति के असली चरित्र को देखने का मौका मिला। उन्होंने आग को झेला, हमले को झेला, उन्होंने खून को बहते देखा और वे उन लोगों के लिए फिर से खड़े हो गए जिनका नेतृत्व करने के लिए उन्हें यहाँ रखा गया था। इसी बीच सीक्रेट सर्विस ने बताया कि ट्रंप के हमलावर को मार दिया गया है। उसकी पहचान 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के रूप में हुई है। पर ये सब कुछ जब हालात चल रहा था तब चाइना ने क्या किया, वो भी बड़ा अजीब सा है। चीन को पूरी दुनिया में आपदा में अवसर तलाशने वाले देश के रूप में जाना जाता है। वो भले और बुरे दोनों वक्त में सिर्फ पैसा कमाने की सोच रखता है। इसका ताजा उदाहरण आज फिर देखने को मिला। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाए जाने के लगभग 2 घंटे बाद चीनी ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं ने पूर्व राष्ट्रपति की हत्या के प्रयास से बचने के ठीक बाद के पल को कैद करने वाली तस्वीरों के साथ टी शर्ट बेचना शुरू कर दिया। इस तस्वीर में ट्रंप के चेहरे पर खून लगा हुआ है और वो मुट्ठी भींच कर अपने समर्थकों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। चीनी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म ताओबाओ के एक विक्रेता के अनुसार हमने गोलीबारी के बारे में खबर देखते ही ताओबाओ पर टी शर्ट डाल दी। हालांकि हमने उन्हें प्रिंट भी नहीं किया था और 3 घंटे के भीतर हमें चीन और अमेरिका से 2000 से अधिक ऑर्डर मिले। दरअसल डिजिटल प्रिंटिंग तकनीक के उपयोग से उत्पादन और बिक्री में तेजी आई है। इससे टी शर्ट को लेकर बहुत जल्दी प्रिंट करके बिक्री के लिए लाइनअप किया जा सकता है। सीन फ्लाइंग डिजिटल प्रिंटिंग प्रोडक्शन नामक ग्वांगडोंग स्थित एक कंपनी ने कहा कि उनकी डिजिटल प्रिंटिंग मशीनें प्रति घंटे 8 चुनाव संबंधी टी शर्ट प्रिंट करती है। और ये चीज देखने को मिल रहा है कि बड़ी तेजी से मार्केटिंग भी कर ली और मार्केटिंग करके इसे बेचने भी लगे हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच में क्या सचमुच में सारी चीजें ठीक है या फिर ये सब कुछ दिखावे का चल रहा है। आपको बता दूं, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। HAL ने तेजस को 15 अगस्त तक तैयार रखने का सोचा था और इसमें इन्होंने GE-404 इंजन लगाने की बात की थी, जिसको कहा गया था कि सितंबर अक्टूबर में ही भेज दिया जाएगा, लेकिन अभी तक
ये भेजा नहीं गया है। इसके डिलीवरी में बार बार डिले हो रही है। कहा जा रहा है कि इसमें सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंटीग्रेशन का कुछ इशू है जो इस वक्त चल रहा है। अभी तक ये डिलीवर नहीं हुई है। 15 अगस्त तक ये कैसे रेडी होगा ये देखने वाली बात होगी। वैसे जहां एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है तो वहीं देखने को मिल रहा है कि HAL के हैंगर्स जहां पर ये सारे कुछ रहता है, सारा फाइटर प्लेन वगैरह रहता है, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये रिसेंटली वहां पहुंचे थे। इन्होंने सारी चीजों को देखा भी और उन्होंने ये भी देखा कि किस तरीके से 83 जो ऑर्डर दिया गया है उसमें मेनी मंथ का डिले हो रहा है, क्योंकि Z-404 इंजन अमेरिका के द्वारा जो दिया जाने वाला था वो अभी तक नहीं दिया गया है। अमेरिका ने उस समय ये कहा था कि हम 1-2 इंजन करके हर महीने देना शुरू कर देंगे सितंबर से और अक्टूबर के बीच में, और उसके बाद हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। पर ऐसा लग रहा है जैसे कि 97 भारत को देना था इन्हें, अभी तक इन्होंने 1 भी नहीं दिया है। भारत अपने विमानों के बड़े फ्लीट को रिप्लेस करना चाहता है और इसके लिए भारत के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में भारत और अमेरिका की 2+2 मीटिंग भी हुई, लेकिन इस 2+2 मीटिंग में भी भारत ने इसी बात को उठाया, हमें जो आपको देने थे 75 इंजन, हमें जो आपको देने थे इंजन, वो बार बार डिले हो रहा है। इस मुद्दे को आप देखिए। वैसे आपको बता दूं, 97 से 99 कहा जा रहा है F-404G इन 20 इंजन को लेना है, पर अभी तक ये नहीं पहुंचा है। और इस इंजन को लेकर भारत को अपने तेजस को रेडी करना है। 2+2 की जब मीटिंग हुई तो इस पर भी इस चीज को लेकर बातचीत हुई। इन्वेस्टर्स की जो मीटिंग हुई इंडेक्स एक्स, उसमें भी इस चीज को लेकर चर्चा हुई। HAL ने 5375 करोड़ का ऑर्डर दिया था जी एविएशन को और इसके सपोर्ट सर्विसेस को, पर ये अभी अटका पड़ा हुआ दिख रहा है। उसके बाद मनसा पर सवाल हो रहा है कि क्या सचमुच में अमेरिका देना चाहता है इंजन या फिर भारत का डिले करवाना चाह रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वैसे भारत के पास दूसरा ऑप्शन फ्रांस है और तीसरा ऑप्शन रूस भी है। रूस के साथ जल्दी नहीं जाना चाहेंगे भारत के जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं। इसके पीछे कारण है कि इंजन को लेकर वो कई बार पहले भी शिकायत करते रहे हैं, पर फ्रांस के साथ भी अगर अभी जाने की सोचते हैं तो ये बहुत बड़ा रिस्की कदम होगा, क्योंकि अभी जाने का मतलब है फिर से कम 3-4 साल का डिले। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर अमेरिका अपने वादों को पूरा करता है या एक बार फिर से भारत को धोखा मिलता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।